हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आई रोबोट ब्रावा जेट का मॉपिंग रोबोट, जो हमारी हेल्प करता है हमारे घर में पोछा लगाने में। तो आ जाइए, दिखाती हूँ कैसे काम करता है ये। सो गाइस, ये है हमारा आई रोबोट का ब्रावा जेट मॉपिंग रोबोट। सो अभी हम इसकी करेंगे ओपनिंग और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमने इसे ओपन कर लिया और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और इसमें कुछ पार्ट्स आते हैं, ये इसके मॉपिंग पैड्स इसके अंदर लगते हैं जिससे ये मॉप करता है। इसके अलावा भी इसमें और भी मॉपिंग पैड आते हैं एक्स्ट्रा। सो ये इसके पार्ट्स हैं। इसमें तीन तरह के मॉपिंग पैड्स दिए गए, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा वेट रखना है तो आप ये ब्लू वाला पैड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको मीडियम रखना है तो ऑरेंज कलर का पैड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल ड्राई रखना है तो ये जो व्हाइट कलर का मॉपिंग पैड है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आती है आई रोबोट ब्रावा जेट की ये मैनुअल बुक, जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इसे यूज़ करने के बारे में। और इसकी मैनुअल गाइड में ये लिखा हुआ है, व्हेन इट हैज फिनिश्ड क्लीनिंग ब्रावा जेट रिटर्न्स टू वेयर इट स्टार्टेड, पावर्स ऑफ एंड प्लेज अ टोन। सो जब ये क्लीनिंग कर लेता है तो ये वापस से उसी जगह पे रिटर्न हो जाता है, लौट जाता है जिस जगह से वो स्टार्ट हुआ था, और ऑफ हो जाता है और एक म्यूजिक बजता है, उससे हमें पता चल जाता है कि क्लीनिंग हो गई है। और देख सकते हैं आप, इस पर लिखा हुआ है रेकमेंडेड फॉर क्लीनिंग मोशन एंड वेटनेस लेवल। सो ये डस्ट क्लीन करता है, हेयर्स क्लीन करता है, डर्ट क्लीन करता है, स्टेन्स जो होते हैं दाग उन्हें भी क्लीन करता है। सो ये इसके कुछ फीचर्स है। सो इस मैनुअल गाइड में हर तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है इसके मेंटेनेंस के बारे में और इसे किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, लाइक एवरीथिंग। ये इसकी कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, टॉप व्यू फ्रंट है, फिर टॉप व्यू बैक है, और ये बॉटम व्यू है, तो नीचे ये व्हील्स लगे हुए हैं। सो आप ये मैनुअल गाइड यूज कर सकते हैं और इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के आप इसे यूज कर सकते हैं। ये है इसका चार्जर जिसकी हेल्प से ये चार्ज होता है, और इसके अंदर बैटरी चाहिए। ये है इसकी बैटरी जो इसके अंदर हम अभी फिक्स करेंगे तब आपको दिखाएंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखती है। और इसके अंदर आती है दो बैटरियां, तो एक बैटरी से आप इसको मॉपिंग करवा सकते हैं और दूसरी बैटरी को आप चार्जिंग पे लगा सकते हैं। तो इसके अंदर आती है टू रिचार्जेबल बैटरी। तो गाइस, हमने जो इसकी बैटरी इसको चार्जिंग के लिए लगा दी है, देख सकते हैं आप चार्ज हो रही है। और इसके अंदर जो ये ग्रीन लाइट शो हो रही है वो ये इंडिकेट करती है कि जो बैटरी है वो चार्ज हो गई है। सो अब आप इसे निकाल सकते हैं। ये जो होल आप देख रहे हैं इसके अंदर अभी हम यहाँ वाटर फिल करेंगे जिसकी हेल्प से ये मॉपिंग करेगा। और यहाँ हमने वाटर फिल कर लिया है। ये इसका हैंडल है, तो आप इसे इस तरीके से उठा सकते हैं। सो गाइस, ये जगह जो बनी हुई है इसके अंदर ये बैटरी बनती है। तो बैटरी फिट हो गई है, और अब मैं इस बटन को प्रेस करूंगी, देख सकते हैं आप, इस पे लिखा हुआ है ग्रीन, अभी स्टार्ट होगा। इससे ये भी फायदा कि आपको काम वाली बाइक के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। आपके पास अगर ये है तो आप इसे ऑन कर दीजिए और ये क्लीनिंग स्टार्ट कर देगा मॉपिंग करना। सो गाइस, इसके अंदर सेंसर्स है, अगर रास्ते में कोई भी चीज़ आती है लाइक काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स, तो ये खुद ही अपने आप पीछे हो जाता है। और इसके अंदर व्हील्स लगे हुए हैं जिसकी हेल्प से ये मूव हो रहा है। सो जब ये मॉपिंग करता है तो पहले वाटर स्प्रे करता है, देख सकते हैं आप पानी के ग्राउंड। देखिए गाइस, वाटर स्प्रे कर रहा है ये, उसके बाद ये मॉपिंग कर रहा है, इस तरीके से ये काम करता है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देख सकते हैं गाइस आप, लाइन बाय लाइन ये क्लीनिंग कर रहा है। मैं आपको लाइन दिखाती हूँ, जो भी क्लीनिंग की है उसकी लाइन बन रही है यहाँ पे। और गाइस, इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, इसे पता है कि वहाँ पे मैट है, कारपेट लगा हुआ है, तो ये उस जगह पे नहीं जा रहा है। सो सेंसर्स के अकॉर्डिंग ये अपनी जगह क्लीन करता है। ये देखिए, यहाँ पे कारपेट है, तो वो वापस पीछे पैक हो गया है। और आप इसको अपने फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू ये कनेक्ट हो जाता है, तो आप अपने फ़ोन से ही इसको ऑन या ऑफ करवा सकते हैं।
देख सकते हैं आप, इस पे लिखा हुआ है क्लीन्स हार्ड फ्लोर्स इंक्लूडिंग हार्ड वुड। अगर किसी का जो फ्लोर है वो वुड का है तो वहाँ पे भी क्लीनिंग कर सकता है, टाइल्स का है या फिर स्टोन का है, ये तीनों जगह पे क्लीनिंग कर सकता है। इसमें आप टाइमर लगा सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं और सुबह के टाइम पे जब भी आपको क्लीन करवानी है आप इसके थ्रू करवा सकते हैं। और इसके अलावा एक आयरोबोट का जो वैक्यूम क्लीनर, उसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने अपने चैनल पे। ऑल यू हैव टू डू जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू कैन चेक दैट आल्सो। सो वो जो वीडियो मैंने बनाया अपने चैनल पे, वो आयरोबोट का वैक्यूम क्लीनर है जो झाड़ू लगाता है, और ये जो आयरोबोट है ये मॉपिंग करता है, पोछा लगाता है। सो दिस इज आवर मॉपिंग रोबोट जो घूम घूम कर पूरे घर में पोछा लगाता है। सो इट्स अ वेरी गुड गैजेट आई वुड से। So guys, that's all in today's video. I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो guys इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो guys थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियोस बनाऊँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।